अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अभी हम सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 6 की। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके सामने है कि आपकी फाइल जावा में वर्ड पे भी प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद आपके ट्यूटोरियल्स अगर क्लियर नहीं है तो वो आप वीडियोस देख लें। उसके बाद अगर आपने ट्यूटोरियल पर सबमिट कराई तो वो आपकी फाइल जब सबमिट नहीं होगी। फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम में ये है कि आपको ये पता चलेगा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, किस तरह यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो उसका अप्रोप्रिएट यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लर्निंग आउटकम एक दफ़ा पढ़नी है तो पढ़ ले, नहीं पढ़नी तो आपकी मर्जी है। उसके बाद है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपके सामने कंप्लीट का इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट WH क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पहले टास्क के अंदर आपने क्या करना चाहिए, फिलिंग की ब्लैंक्स है आपने वो सॉल्व करनी है, जहाँ पे जो भी फॉर्म जो है वो क्रिएट सूटेबल होती है वहाँ पे आपने वो फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। टास्क 1 है ये, हम साथ साथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द सेकेंड, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद आपने जो है वो मिस ऑर्डर्ड सेंटेंसेज है उसको आपने जो है वो अरेंज करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी 5 स्टेटमेंट्स, ये आपने करना है। उसके बाद गाइडलाइंस हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप भी लेसन नंबर 29 और 30 देख सकते हैं और रीडिंग मटेरियल पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए और खैर इसमें प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि आपको सेम एक्सरसाइज आती है तो आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी सेव होंगी, ठीक है, मतलब सेम होंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें। अपनी एक्सरसाइज जो है वो आप किसी के साथ शेयर ना किया करें क्योंकि फिर आपका कॉपी इस तरह से रिमार्क्स आते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। और नीचे ये है कि बेस्ट ऑफ लक एंड हाउ यू सबमिट योर फाइल ऑन LMS, और ये आपने जो है वो उधर ही बनानी है, कहाँ पे बनानी है, MS वर्ड के ऊपर। या अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला एप्लीकेशन होती है ना उसको यूज़ करते हुए आप बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करके, ये आपको सेलेक्ट करना ही आता है, और इस तरह से जैसे मैंने फाइल बनाई है ना इस तरह से आपने बना लेनी है। सबसे ऊपर जी कोर्स का नाम देना आपने बतानी है जी, एक्सरसाइज कौन सी है, और उसके बाद आपने बैच बताना है, टास्क बताना है। 2 टास्क हैं हमारे पास और हमने जो है वो पहला टास्क सबसे पहले सॉल्व करेंगे जी। पहला टास्क है हमारे पास मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एंड हाउ, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द एप्रोप्रिएट WH वर्ड्स गिवन अबव इन द टास्क स्टेटमेंट एंड राइट इन द स्पेस गिवन इन ईच सेंटेंस टू कंप्लीट द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने जो है वो एक्यूरेट करके लिखना है। पहली स्टेटमेंट है डैश मच टाइम डज टू वो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये है जी डैश मच टाइम इट टेक टू रीच द मीनार पाकिस्तान फ्रॉम बहरिया टाउन लाहौर, तो यहाँ पे आएगा जी हाउ मच, ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द मीनार पाकिस्तान फ्रॉम बहरिया टाउन लाहौर, ठीक है। इसका आपने कलर चेंज करना है तो आपकी मर्जी है, कर लें, नहीं करना तो देन आपकी मर्जी है। सेकेंड है डैश सिटी ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज द सिटी ऑफ गार्डन, यहाँ पे आएगा आपका विच, ठीक है, चुड़ैल वाली विच नहीं, ठीक है, WHICHY वाली, WITCH वाली नहीं आनी, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स, ये आपको पता है लाहौर को कहते हैं। उसके बाद है डैश इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, वेयर इज द, ठीक है, WHERE, वेयर इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। उसके बाद हमारे पास 4th स्टेटमेंट डैश विल यू सबमिट योर एक्सरसाइज एज द ड्यू डेट इज वेरी नियर, व्हेन विल यू, ठीक है, WHEN, व्हेन उसके बाद है जी हमारे पास 5th स्टेटमेंट दैट काइंड ऑफ लिटरेचर यू लाइक द मोस्ट, यहाँ पे आना जी व्हाट, ठीक।
ये हमारी जो थी इतनी फाइव स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग WH वर्ड्स, वो हमारी होगी कंप्लीट। उसके बाद है सेकंड, आपने मिस अरेंज वर्ड्स को, सेंटेंस को अरेंज करके लिखना। पहला है जी एज द, पहला है द प्राइम मिनिस्टर इज हु ऑफ फलस्तीन। अरेंज सेंटेंस, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन। ठीक है, फलस्तीन मैं इसलिए बोल रही हूँ, इंग्लिश में नहीं बोल रही क्योंकि बाद में जो था वो हमारी एड सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में नहीं बोल सकती, उर्दू में बोल रही हूँ। उसके बाद है जी द, अब ये नहीं कहना आपने कि ये आप इस तरह क्यों कर रही हैं, किसी वजह से ही कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है द इंग्लिश अल्फाबेट्स देयर इज वॉवल लेटर्स आर हाउ मैनी। अरेंज सेंटेंस है हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। उसके बाद है जी लास्ट नाइट द पार्टी वॉज लॉस्ट एट हूज बैग, हूज बैग वॉज लॉस्ट एट द लास्ट नाइट। ठीक है, ये हमारे थर्ड स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद फोर्थ है अप्रोप्रिएट ड्रेस इज द मोस्ट फॉर द विच इवेंट, फॉर विच इवेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रेस द मोस्ट। लास्ट है द सेरेमनी यू लाइक होम डू यू इन्वाइट टू, होम डू यू लाइक टू इन्वाइट द सेरेमनी। ठीक है, ये हो गए हमारे सेंटेंस अरेंज। फिर बता रही हूँ आपको कि आपने इस बात पे नहीं जाना कि आपने ये उर्दू में नहीं बोला, इस तरह नहीं बोला कि आपकी मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी वो आएगी। इसका मकसद ये था कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल देती हूँ तो ये जो है वहाँ पे इस लफ्ज़ को और जितना भी इससे रिलेटेड कंटेंट होता है उसको रोका जाता है, इसको आगे मूव नहीं किया जाता, तो आप लोगों तक उस रीच तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, इसको जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो बड़े ज़्यादा लोग जो हैं उनको नहीं मिलेगी ये एक्सरसाइज की किस तरह से सॉल्व करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पता था, किसी और का भी पता होगा कि ये इस तरह सॉल्व होती है, इसलिए मैंने ये किया। ये नहीं सोचना कि इनको आपने मोनेटाइजेशन का पढ़ा या ऐसा का पढ़ा या ऐसे या ऐसे, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जितने शायद आपसे ज़्यादा जो है वो मेरे अंदर ये चीज़ पाई जा रही हो इसको लेके, तो रिलीजियस नहीं इस टाइम होना आपने, बाकी सबको ही पता है जी, सब ने हिसाब देना, मतलब तो सब नहीं है, शायद मैंने तो कुछ ज़्यादा ही हिसाब देना। खैर, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दूसरे साथ शेयर करें, और अगर आपने बाकी एक्सरसाइजेज अभी तक सॉल्व नहीं की तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मुझे दुआओं में याद रखें। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इस टाइम हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो उन सब की और हमारी मदद फरमाए, ताकि हमें भी थोड़ी सी अकल आ जाए कि हम भी कुछ कर लें। चलो कुछ तो कर ही लें, आप दुआ ही कर लें, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ कर लें, और स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।